हेलो, टॉपिक को डिस्कस करने से पहले आज हम थोड़ा सा एक मैं आपको एग्जांपल दे के समझाऊंगी ताकि हमें उसको कोरिलेट करने में इजी हो जाए। मान लेते हैं जैसे कि अगर मुझे कोई प्रॉब्लम है, मेडिकली कुछ प्रॉब्लम है मुझे और मैं किसी डॉक्टर के पास जाती हूँ, तो हम लोग क्या करते हैं, यूजुअली अपना नाम लिखवा देते हैं। तो जब आपका टर्न आता है दे स्टॉप आपको कॉल करते हैं कि भी फलाना बंदा प्लीज़ आइए। आप अगर उस टाइम पे वहाँ प्रेजेंट नहीं हैं, एक बार दो बार आपको कॉल मारेगा, इसके बाद वो सेकंड बंदे का नंबर आ जाएगा तो आपका नंबर स्किप हो जाएगा। हाँ, वो बात अलग है कि भी आफ्टर कुछ टाइम के बाद अगर आप दोबारा अपियर होते तो आप अपने आप को कह देते हैं कि भी मेरा नंबर यहाँ पे था तो मैं बाहर चला गया था तो इस वजह से मैं अपियर नहीं हो पाया। अब इसी चीज को हम लोग अपने सीपीसी में कॉरिलेट करेंगे जहां पर बात आती है ऑर्डर 9 में, रूल 1 से 14, जहां पे बात करता है अपियरेंस एंड नॉन अपियरेंस ऑफ द पार्टीज। क्या होगा, प्लेंटिफ ने केस डाल दिया, प्लेंटिफ अपियर नहीं हो रहा, डिफेंडेंट अपियर नहीं हो रहा, तो वहां पे क्या होगा। रूल 1 में कहता है कि पार्टीज को ईदर या तो पर्सन में अपियर हो जाए या उनके प्लीडर्स के द्वारा अपियर हो जाए। रूल 12, कोर्ट ने ऑर्डर बकायदा किया है कि भी पार्टीज को इन पर्सन होना है तो वो इन पर्सन ही अपियर होगा, और यहाँ पे या वो सफिशियंट रीजन दे कि भी मैं क्यों नहीं अपियर हो पा रहा हूं। अगर वो नहीं आता, अगर वो प्लेंटिफ है और अगर इन पर्सन नहीं आता तो कोर्ट के पास पावर है, कोर्ट ऑर्डर कर सकता है आपका डिस्कॉर सूट, और अगर आप वहीं पे डिफेंडेंट है तो कोर्ट आपको एक्स पार्टे कर सकता है। देखिए यहाँ पे हमें दो टर्म्स पढ़ने को मिले। पहला, अगर प्लेंटिफ अपियर नहीं हो रहा, प्लेंटिफ वो बंदा है जिसने प्लेंट डाली, प्लेंटिफ वो बंदा है जो सबसे पहले कोर्ट जाता है, प्लेंटिफ वो बंदा है जिसके पास कॉज ऑफ एक्शन अपियरेंस में आ रहा है, उसे प्रॉब्लम हो रही है डिफेंडेंट के साथ, वो कोर्ट में जा रहा है। अगर वही अपियर नहीं हो रहा है, अगर वो अपियर नहीं हो रहा है तो कोर्ट यहां पर क्या करेगी, डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट कर देगी। वहीं पे अगर डिफेंडेंट साहब नहीं आ रहे हैं तो कोर्ट उसको एक्स पार्टे ऑर्डर कर सकता है। वहीं पे रूल 3 कहता है कि अगर कोई भी पार्टी नहीं आ रहा, नन इज अपियरिंग, ना तो प्लेंटिव साहब आ रहे हैं ना ही डिफेंडेंट साहब आ रहे हैं, तो भाई प्लेंटिव का केस है, कोर्ट यहां पर क्या करेगी, कोर्ट को, कोर्ट जो आपके पास केस था कोर्ट के पास, उसको डिसमिस कर देगा। अब यहां पे जो डिसमिसल हुआ है रूल 3 के अंदर, प्लेंटिव को ये डिबार नहीं कर रहा, सेम कॉज ऑफ एक्शन में ये केस ला सकता है क्योंकि यहां पर यहां रेस जुडिकाटा नहीं लग रहा है। इसके बाद रूल 6 से लेकर 10 तक आता है कि जहां पे प्लेंटिव अपियर हो रहा है लेकिन अगर डिफेंडेंट अपियर नहीं हो रहा है, और अगर प्लेंटिव ने केस ये प्रूव कर दिया कि सर्विस ऑफ समन वो दे चुका है डिफेंडेंट के ऊपर, ये उसे प्रूफ करना पड़ेगा क्योंकि इतना इजी नहीं रहेगा कि भी प्लेंटिव अपियर हो रहा है और डिफेंडेंट को वो सीधा कह रहा है कि भी मैंने सर्विस ऑफ समन दे दिया है, डिफेंडेंट जानबूझ के नहीं आ रहा। अगर डिफेंडेंट पे सर्विस ऑफ समन प्लेंटिव प्रूफ नहीं कर पा रहा है, यहां पर कोर्ट जो है उसको एक्सपार्टे नहीं करेगा, लेकिन अगर ये प्रूफ हो जाता है कि उसने सर्विस ऑफ समन उसको दे दिया है तो यहां पर अब कोर्ट के पास पावर आ जाता है कि कोर्ट जो है उसको एक्सपार्टे प्रोसीड कर सकता है और ये प्लेंटिव के फेवर में चला जाएगा। वहीं पे अगर दो या दो से ज्यादा प्लेंटिव हैं और उसमें से अगर कोई एक भी अपियर हो रहा है तो ये कंक्लूड हो जाएगा कि वो सबके बिहाफ पे काम चल रहा है। वहीं पे रूल 7 से लेकर रूल 11 तक आ जाता है जहां पर डिफेंडेंट अगर अपियर होता है, प्लेंटिव अपियर नहीं होता लेकिन डिफेंडेंट जो है एडमिट कर रहा है प्लेंटिव के क्लेम को होली या पार्टली, तो कोर्ट जो देगा और उन पोर्शंस के ऊपर जो वो एडमिट कर रहा है और बाकी चीजों के ऊपर वो डिसमिस कर देगा। वहीं पे अगर डिफेंडेंट जो है एडमिट जो प्लेंटिव के क्लेम को है या तो होली कर रहा है या पार्टली कर रहा है तो यहां पर डिग्री जो है पास हो जाएगा डिफेंडेंट के खिलाफ क्योंकि वो कुछ भी एडमिट नहीं कर रहा है यहां पर, तो यहां पे जो सूट है बाकी के लिए वो डिसमिसल में चला जाएगा। वहीं पे रूल 2 एंड 5 जो है वहां पे आ जाता है कि समन अगर सर्व ही नहीं हो पाया, सूट जो है वो डिसमिस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर प्लेंटिव का फेलियर हुआ है, वो कॉस्ट ऑफ सर्विस पे नहीं कर पाया है समन्स के लिए। दूसरा, यहाँ पे जो प्लेंट के लिए कॉपीज देनी थी वो वहां तक उसने टेंडर नहीं करा। यहीं पे टर्म एक आ जाता है प्रोसेस फी, जो कि जब आपका प्लेंट एक्सेप्ट होता है तो आपको 7 डेज देना होता है। प्रोसेस फी क्या है, यहां पर आप जो प्लेंट की कॉपी देते हैं प्लस जो भी डॉक्यूमेंट्स है जो आपको समन्स डिफेंडेंट को देना होता है, दैट इज कॉल्ड एज प्रोसेस फी। और अगर आपने वही चीजें नहीं किया तो डिफेंडेंट तक समन कैसे पहुंचेगा। वहीं पे प्लेंटिव जो है फ्रेश सूल को फाइल कर सकता है डिसमिसल हो जाने के बाद। अब बात आती है यहां पर, क्योंकि देखिए डिसमिसल को रिवाइव भी किया जा सकता है,
यहीं पे अब आता है जब कोर्ट ने डिफेंडेंट साहब को एक्स पार्टे कर दिया है, तो वो एक्स पार्टे को आप सेटिसाइड कैसे करेंगे, यहाँ पर क्या रेमेडीज है। यहाँ पर आप उसी कोर्ट में ही अप्लाई कर सकते हैं जहाँ पे जिस कोर्ट ने आपको एक्स पार्टे किया है। इसके लिए ऑर्डर 9 रूल 13 का प्रोविजन दिया गया। आप अपील में जा सकते हैं, सेक्शन 96 क्लॉज 2 में जा सकते हैं, आप रिव्यू में जा सकते हैं जहाँ पे ऑर्डर 47 रूल 1 कहता है, आप इसके लिए रिवीजन में जा सकते हैं जहाँ 115 सेक्शन है। लेकिन हमें ये चीज़ ध्यान रखना है, अगर अपील लाई करती है तो रेफरेंस रिव्यू रिवीजन नहीं आता, जहाँ रेफरेंस रिव्यू रिवीजन आ रहा है वहाँ अपील नहीं बनती। इसके अलावा आप यहाँ पे सूट फाइल कर सकते हैं कि मेरे साथ फ्रॉड कमिट हुआ है, और एक्स पार्टे को रिवाइव करने का जो लिमिटेशन पीरियड है दैट इज गिवन फॉर 30 डेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।